एक्सटर्नल लेग्स हैं, वहाँ एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, मास सेल कंडीशन होल्ड टू करती है, एंड दे कैन वेरीफाई, एंड दिस इज ए थ्योरी विच हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड अप टू सेवरल डिजिट्स. लेट मी टेल यू, क्यूएफटी इज ए थ्योरी, इट्स अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मॉडल. इट हैज बीन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट थ्योरीज ऑफ नेचर, मोस्ट वंडरफुल थ्योरी ऑफ नेचर. अब एंड विच हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड अप टू सेवरल डिजिट्स. There are only two fundamental theories of nature that have been experimentally verified up to several digits. One of them is quantum theory, one of them is gravity theory. These are the two theories that have been experimentally verified up to several digits. तो ये जो chapter 9 है इसके शुरुआत में ही कहते हैं, this is the chapter devoted to science of knowledge of science and knowledge of sovereign science and secret science. ये quantum field theory. तो वो कहते हैं कि तू मेरा प्रिय सखा है, मैं इसलिए तुझे बार बार ये सब समझाता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान ज्ञानम विज्ञान सहित, ये ज्ञान विज्ञान सहित वाला ज्ञान है जो कि यह ज्ञात्वा मोक्ष से स्वभाव, जिसको पाकर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं. मोक्ष माने क्या है, आप 5 दिन डीएस के सर एंड सिमिलर लेक्चर सुनते हैं, एक तरह का आपका मोक्ष की वाली स्टेट आपके माइंड में आ गई, एनलाइटन माइंड. आप कह रहे यार अच्छा ऐसा होता है, कुछ होता तो ठीक है सर, ठीक कह रहे हैं, कुछ कुछ बात करेक्ट है. तो इवन बैन डी एस के सर लिप्स गर्मा मैम बोल भी है, और आप उनसे कुछ कुछ चीज़ें भी बातें करते रह सकते हैं. मैं गुड और बैड थिंग्स के लिए डी एस के का ही नाम लेता हूँ, तो ये मेरी आदत है कि अपने आप के ऊपर प्लेम करो, कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करेगा. आई एम वट एवर गुड और बैड आई एम सेइंग इज दैट होल्ड्स ट्रू फॉर मी ओनली. तो ये विज्ञान सहित ज्ञान है, उसको भाषा कह रहा है. रामचरित मानस पढ़ो, उसमें लिखते हैं तुलसीदास, ज्ञानी हूं तें मोहि प्रिय विज्ञानी. ज्ञान ज्ञान ज्ञानवान मनुष्य से भी ज्यादा मुझे वैज्ञानिक पसंद है. वो सब जानते थे विज्ञान, एक्चुअल में जानते थे. मैं अभी इसमें से पढ़ के दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो जो है. अब देखो उसके अगले श्लोक में ही कहते हैं, वो नंबर 1 था 9th चैप्टर का, सेकंड चैप्टर में कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम. मैं अगला लेक्चर जो गर्मा मैम करा रही नेक्स्ट वीक किसी टाइम पर, आई विल टेक यू बियॉन्ड दिस. जो लोग मुझे अब तक सुन चुके उनको जल्दी समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. तो उसके अंदर आई विल टेक यू टू सम एग्जांपल ऑफ एन इक्वल टू वेट सुपर ग्रेविटी कंटेंट्स, बहुत बढ़ जाएंगे उसमें, एनिलेशन क्रिएशन ऑपरेटर के बहुत सारे. क्यूवीडी में सिर्फ 3 ही सेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन डिफाइंस क्यूवीडी, फिनिश, नॉट मोर नॉट लेस. इलेक्ट्रॉन बीच में थोड़े और बढ़ जाएंगे, क्यूसीडी में और बढ़ जाएंगे, उन तीनों को कंबाइन करके उसे स्टैंडर्ड मॉडल कह देंगे. उसके अंदर मतलब इतने सारे हो जाएंगे, हैं उतने सेट्स ऑफ एनिलेशन क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑपरेटर्स हो जाएंगे, और उनकी और हम उनको रामचरित मानस के अनुसार या इस टर्मिनोलॉजी के अनुसार कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा शिवा एंड विष्णु के इतने सारे सेट्स बन जाएंगे. तो मैं पहले वही वाला बता देता हूँ कि एक उत्तरकांड में एक प्रसंग है, वो आप काल्पनिक कहानी है कि वो काकुसुंड जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है. वो कहते हैं मैं ऐसा देखता हूँ कि उनसे बातचीत करते करते बालक राम को के साथ खेलकूद कर रहा हूँ, उनको स्माइल, वो हंसते हैं, तो मैं उनके मुँह के अंदर चला जाता हूँ, मुँह के अंदर चला जाता हूँ, पेट के अंदर मैं क्या देखता हूँ. तो वो उसका यहाँ पर वो वर्णन है, उसको कहते हैं, लेट मी फाइंड इट आउट. आई एम वेरी बैड एट फाइंडिंग आउट लोकेटिंग माई ओन थिंग्स. मैं पूछता रहता हूँ उस अंदर वो चीज कहाँ रखी है, फिर वो कहीं से ढूंढ के निकाल के देते मुझे पता चलता है. तो इतने पेज पलट लिए, इसके अगले में ही लिखा हुआ था जो मैं ढूंढ रहा था. उसमें से नेक्स्ट टू पेज में वो लिखा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं पीछे से ढूंढ रहा हूँ. चलो तो वो कहते हैं, मैं रामचरित मानस की लाइन्स पढ़ रहा हूँ, ये दिस इज संभेर दोहा नंबर 79, उत्तरकांड दोहा नंबर 79 के आसपास ढूंढ रहे हैं, 80 याद रहेगा. वो ही बिलो की राम मुसुकाही बेहसत तुरंत गये मुख माही. उनकी स्माइल करते हैं उनके मुंह के अंदर, पेट के अंदर चला गया.
उधर माज सुन अंडज राया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने उनके पेट के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, मल्टीवर्स। अभी कोई मल्टीवर्स कह देगा, कोई फेमस फिजिसिस्ट, थ्योरिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट है, जनरल रिलेटिविस्ट, तो आपको अच्छा ऐसे कर रहा है, नहीं हमारे यूनिवर्स के अलावा पैरेलल और यूनिवर्स भी है, मल्टीवर्स है, वो इसमें भी लिखा हुआ है। वो हो सकता है वाल्मीकि जी ने भी लिख रखा हुआ, मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन तुलसीदास जी ने तो लिखा ही, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। माई मोस्ट फेवरेट बुक इज रामचरित मानस, सेकेंड मोस्ट फेवरेट बुक इज भगवद गीता। मुझे सबसे पहले रामचरित मानस ही समझ आने शुरू हुई थी। भगवदगीता में लेटली आई हैव फॉलन इन लव विद भगवदगीता एंड ट्राइंग टू रीड इट। तो उधर माज सुनो अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाय, बहुत सारे ब्रह्मांड देखे। अति विचित्रत है लोक अनेक, रचना अधिक एकते एक। फिर वो कहते हैं कोटिन चतुरानन गौरीसा, करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों शिवा है, कोटिन चतुरानन गौरीसा। दिस लाइन आई वॉन्टेड टू रीड फॉर यू, वहां मैं अंदर देख रहा हूं। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। ये पढ़ी देता हूं एक दो लाइन, क्यों स्किप करूं। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तार, नाना भांति सृष्टि विस्तार। हम अर्थ से आगे जाएंगे तो मार्स है, पीछे जाएंगे तो वीनस है, और पीछे जाएंगे तो मरकरी है, और पीछे जाएंगे तो सन है, इधर जाएंगे तो मार्स है, मार्स के ऊपर जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद हमें सोलर सिस्टम पार करके किसी दूसरे नियर बाई सोलर सिस्टम में जाना पड़ेगा। वहाँ प्लैनेट प्लैनेट तो होंगे, लेकिन पानी होगा कि नहीं, हवा सूरज होगा कि नहीं, हर प्लैनेट के ऊपर लाइफ नहीं होती। तो बट दिस इज ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन ऑफ माई सिंपल लिटिल सोलर सिस्टम, नाना भांति सृष्टि विस्तार। वहाँ पर कहीं लाइफ है, कहीं नहीं है, कहीं कहीं इथेन मीथेन के समुद्र भरे हैं, गरम गरम गैस है, 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो वीनस के पास चले जाओ, मरकरी के पास चले जाओ। तो अब देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर भरी हुई है, उनके डेरिवेशन आप कर लेना, वो तो इतने नालायक नहीं, हम कर सकते हैं, पर देखो यहाँ कॉन्सेप्ट लिखे हुए समराइज्ड है। एक एक ब्रह्मांड में बहु रहे बरस सत एक, 100-100 साल राम एक एक ब्रह्मांड में, वो कह रहे हैं काकू सुन जी, यही विधि देखत पिरो में अंड कटा, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, अलग अलग वहां पर ब्रह्मा है, हर लोक का एक अलग ब्रह्मा है, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित राता, वहां ब्रह्मा विष्णु शिवा सब अलग अलग है, बहुत सारे, इतनी सारी जगहों में गया, इतने सारे मैंने वो देखे, इतने ब्रह्मांड देखे, 100-100 साल एक एक में रहा, मतलब मैंने उनके बारे में जानकारी करी। अब मैं तुम्हारे पिथौरागढ़ में 2 हफ्ते रह के जाऊंगा, तो मैं यहाँ बाजार बाजार भी घूमूंगा, कहाँ पर क्या मिलता है, कहीं गरिमा मैडम के साथ चाट खाई थी, दही बल्ला खाया था, वो याद आ जाएगा, कभी कहाँ पर क्या खाए तो याद है उसको, माने उसको ठीक से देख रहे हैं। कल हम नैनी सैनी एयरपोर्ट की तरफ गए थे, एक दिन चंडाक गए थे, कल परसों देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, तो हम पिथौरागढ़ को समझने की कोशिश करते हैं। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आन ही भांति, सकल जीव तह आन ही भांति। देखो अब अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स मेरे साथ थोड़ा सा सीखा, तो आपको यह पता है कि इसका क्रिएशन ऑपरेटर, इसका क्रिएशन और इन तीनों के क्रिएशन ऑपरेटर भांति भांति के हैं, अलग अलग तरह के। एक को जब मैं ग्राउंड स्टेट पर लगाऊंगा तो एक पॉजिट्रॉन स्टेट बनेगी, एक को लगाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन स्टेट बनेगी, एक को लगाऊंगा तो एक सिंगल फोटोन स्टेट बनेगी, मैं रिपीटेडली अप्लाई करूंगा तो एक से ज्यादा वाली बनेगी, अगर उनके ऊपर करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर एनिलेशन ऑपरेटर ई माइनस का लगाऊंगा और वहाँ ई प्लस एनिलेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, उसकी डिफाइंड करेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रॉन वाला ही इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी लेवल को एक एच क्रॉस ओमेगा से कम करेगा, ये नहीं फोटोन वाली को कम कर देगा। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आन ही भांति, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, अनेकों ब्रह्मांडों में घूमते घूमते बीते मनहु कल्प सत एक, मानो ऐसे लग रहा है कि सैकड़ों कल्प बीत गए। राम उधर देखे जग नाना, बहुत सारे मैंने संसार देखे,
देखत बनाए न जाए बखाना, वर्णन करना भी मुश्किल है। मैं भी आपको नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा, मुझे कुछ भी अब टाइम की लिमिटेशन हो जाए, कुछ भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। अब फिर देखो रिलेटिविटी बोलते हैं, उभय घड़ी में मैं सब देखा, मैंने जरा से टाइम में ये सब कुछ देख लिया। भय भ्रमित मन वो विषय का, मेरा मन भ्रमित हो गया और मैं व्याकुल सा परेशान सा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अब देखो वो कहते हैं प्रकृति में स्वाम वस्तव्य, मैंने अभी बताया था आपको, मैंने पढ़ के, भूत ग्राम में मम कृत्सन बसम प्रकृतिर बसा, मैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार बार बार विसर्जामी, पुनः पुनः बार बार रचता हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो एयर डैगर है वो इलेक्ट्रॉन वाला ही क्रिएट करेगा, फोटोन वाला नहीं करेगा। तो देखो कर्मों का जो हमारे यहाँ उल्लेख है, वर्णन है इन अवर हिंदू थॉट, सनातन थॉट, वाट एवर यू कॉल इट, एंशियंट लिटरेचर तो सबसे सेफ है, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है। अब जो हजारों सालों से लिटरेचर है, मैं उसको माइथोलॉजी कहता भी नहीं हूँ, मानता भी नहीं हूँ, मेरे लिए वो सब रियल हिस्ट्री है। ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं पीछे की जरा सी चीज़ जानता हूँ, मैं तो अंग्रेजों के टाइम में क्या क्या डिटेल्स वो भी नहीं जानता, मतलब हुआ नहीं ऐसा। हुआ जो जितने भी एट्रोसिटीज हो सकती हैं, बुरी बुरी चीज़ें होती वो हुई, ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी भी हुई कि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम बता गए कि सर तुम दिल्ली, हमारे गुरुकुल होते थे, नाम नोमेनक्लेचर अलग हो गया। यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम करते जाते हैं, मैथिली शरणगुप्त कहते हैं, यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम करते जाते हैं। परिवर्तन कर लिया, मैंने कोट के बदले जैकेट पहन ली, जैकेट के बदले कोट पहन लिया, तो परिवर्तन हो गया। मैं तो वही का वही हूँ, डी एस के सेम डी एस के, इससे उन्नति क्या हुई मुझे पता नहीं है, सिर्फ इट्स ए डिफरेंट लुक कि आपने कहा था थोड़ा ठंडक हो सकता है,